If you're new to my channel, press the subscribe button and press the bell icon to never miss any update from my channel. स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल T24 Time में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मेरे पास Redmi का Note 5 स्मार्टफोन है और इस पे FRP लॉक हो गया है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस फोन का FRP लॉक एकदम सरल तरीके से और 2 मिनट के अंदर कैसे ऑफ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे कहाँ पे लॉक है और क्या लिख के आ रहा है। तो देखिए इस वीडियो को, तो अभी यहाँ पे चेकिंग अपडेट कर रहा है। सबसे पहले वाईफाई या अपने फ़ोन में सिम लगा लें और इंटरनेट चालू कर लें। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा लिख के आ रहा है, योर डिवाइस वाई रिसेट। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको अपनी दो उंगली से जो मोई का लोगो है इसको 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। कंटिन्यू दोनों उंगलियों से आप प्रेस करके रखे रहिए अपनी दोनों उंगली से। जैसे 10 सेकंड हो जाएंगे यहाँ पे टॉल्क बैक सेटिंग ऑन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन खींचनी है एल की तरह, ये मैंने लाइन खींचा और यहाँ पे देखिए कुछ तरह से सेटिंग आ रही है। तो यहाँ पे टॉल्क बैक सेटिंग पे आना है आपको, लेकिन उससे पहले टॉक बैक को ऑफ कर देते हैं, रिज्यूम कर देते हैं। तो वैल्यूम अप और वैल्यूम माइनस बटन को एक साथ दबा के रखेंगे तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। तो यहाँ पे टॉक बैक कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है, हेल्प एंड फीडबैक पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर गेट स्टार्टेड विथ वॉइस यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक वीडियो प्ले होगा, उस पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जहाँ 3 बिंदियाँ हैं इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इन 3 बिंदियों पे क्लिक करेंगे यूट्यूब ओपन हो जाएगा। यूट्यूब जब ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक करना है, इसके बाद टर्म एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जाना है, गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप कर देना है www.google.com, जैसा कि मैं देखिए कर रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है रोम फास्ट APK और टाइप करने के बाद सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे तो रोम फास्ट APK की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो उस पर जो पहला लिंक आता है रोम फास्ट FRP जिसमें लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सैम लॉन्चर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक लिंक ओपन होगा, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा करिएगा इंतज़ार जब तक ये डाउनलोड नहीं हो जाता। तो देखिए डाउनलोड हो रहा है। अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट है और होने ही वाला है। कंप्लीट होने ही वाली है और ये कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इसको करना है इंस्टॉल। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ओपन और कर लेता हूँ इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद इसको कर देना है ओपन। जब ओपन करेंगे तो ये लॉन्चर हो जाएगा ओपन आपके फ़ोन पे और जो है आपके फ़ोन पे सेटिंग का ऑप्शन आने लगेगा। ये देखिए इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ पे आपको सेटिंग पे जाना है अपने फ़ोन की। सेटिंग पे जाने के बाद देखिए अबाउट फ़ोन पे जाना है आपको। अबाउट फोन में यहाँ जहाँ मुई वर्जन लिखा है यहाँ पे आपको 7 बार जल्दी जल्दी टैप करना है। जैसे ही 7 बार टैप कर देंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में और यहाँ पे एक सेटिंग ढूंढनी है डिब्लोवर ऑप्शंस। डिब्लोवर ऑप्शंस जब वहाँ पे 7 बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। और यहाँ पर OEM अनलॉकिंग को ऑन करना है। देखिए यहाँ पर आपको बार बार क्लिक करना है जब तक कि ऑन ना हो जाए। अब यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा तो यहाँ पे OEM अनलॉकिंग के टेक्स्ट लिखे हैं वहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए। ये OEM अनलॉकिंग ऑन हो गई है। जब तक ऐसा विंडो नहीं आता तो समझिए कि अभी ऑन नहीं हुई है। अब एक बार फिर से बैक करते हैं और फिर से आते हैं। एक बार फिर से मैं चेक करवाता हूँ कि ऑन हो गया कि नहीं। ये देखिए अब ऑन है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको फ़ोन को कर देना है रीस्टार्ट। मैं कर लेता हूँ रीस्टार्ट और उसके बाद चेक करते हैं इस पर अभी भी FRP मांग रहा है कि नहीं मांग रहा।
रिस्टार्ट होने ही वाला है, अभी पूरी तरह से ऑन होगा। देखते रहिएगा इस वीडियो को, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे ऑन होगा तो यहाँ पे आपको टॉल्क बैक सेटिंग आ जाएगी, तो इसको कर देना है ऑफ आपको। अब ऑफ करने के बाद मैं आगे की सेटिंग करता हूँ, सेटअप करता हूँ। देखिए यहाँ पे गूगल अकाउंट हटा कि नहीं हटा है। तो यहाँ पे अपनी कंट्री रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे स्किप करते हैं। ये देखिएगा सेटअप न्यू डिवाइस, अब यहाँ पे चेकिंग कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे चेकिंग पे। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे गूगल अकाउंट रिमूव हो चुका है पुराना वाला, अब यहाँ पे नया अकाउंट मांग रहा है। तो उसको हम कर देते हैं स्किप और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए सारे लॉक रिमूव हो चुके हैं, इस पर किसी तरह का कोई भी लॉक नहीं बचा हुआ है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मेरे चैनल पर आते रहते हैं। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।